हाय फ्रेंड्स, मी निखिल राऊत सक्सेस अनलिमिटेड या कार्यक्रमात तुमचं मनापासून स्वागत करतो. मंडळी, आपल्या या कार्यक्रमाच्या पहिल्या भागात मी तुम्हाला सांगितलं होतं की या कार्यक्रमात आपण देशातल्या आणि विदेशातल्या काही उद्योजकांना आणि विविध क्षेत्रात विशेष आणि भरीव कामगिरी केलेल्या काही व्यक्तिमत्वांना भेटणार आहोत. आज आपण आलो आहोत नाशिक शहरात, आणि शिक्षण हा यशाचा मूलभूत पाया असतो. अशाच अत्यंत महत्वाच्या शिक्षण क्षेत्रात भरीव कामगिरी आणि योगदान दिलेल्या एका व्यक्तिमत्वाला आपण भेटणार आहोत. चला तर मग ती व्यक्ती कोण हे पाहूयात. नाशिकातल्या शिक्षण क्षेत्रात आपल्या मेहनत आणि कष्टांनी संदीप फाउंडेशनचा पाया रोवणारं एक सर्जनशील व्यक्तिमत्व म्हणजे संदीप फाउंडेशनचे संस्थापक संदीप झा. शांत, मनमिळावू आणि शिक्षणाची आवड असणाऱ्या या व्यक्तीनं नाशिकसह राज्यातीलच नव्हे तर राज्याच्या बाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी संदीप फाउंडेशनची मुहूर्तमेळ रोवली आणि आज त्याचा वटवृक्ष झालेला आपण पाहतोय. इंजिनिअरिंग आणि मॅनेजमेंट क्षेत्रात संदीप फाउंडेशननं केलेली कामगिरी अचंबित करणारी आहे. त्याचबरोबर फार्मसी, पॉलिटेक्निक, बीएड अशा विविध शाखांमध्ये देखील हजारो विद्यार्थी या ठिकाणी विद्यार्जन करतायत. वेलकम टू संदीप. थँक्यू सो मच. थँक्यू प्लीज. आज आपण संदीप फाउंडेशनचे संस्थापक आणि चेअरमन डॉक्टर संदीप झा यांना भेटणार आहोत. नमस्कार सर. नमस्कार. मी निखिल राऊत. हॅलो. साम टीव्हीच्या वतीने आणि तमाम प्रेक्षकांच्या वतीने सक्सेस अनलिमिटेड या कार्यक्रमात तुमचं मनापासून स्वागत करतो. थँक्यू सर. आता आम्ही जेव्हा प्रेक्षकांना घेऊन या तुमच्या कॅम्पसमध्ये आलो तर एक गोष्ट लक्षात आली की हा संपूर्ण कॅम्पस, हा संपूर्ण परिसर अत्यंत निसर्गरम्य वातावरण आहे. आणि निसर्गरम्य वातावरण असल्यामुळे इथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपसुकच एक पोषक वातावरण निर्माण झालं. त्यावरून एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली की तुम्ही स्वतः, तुम्हाला शिक्षणाविषयीची आवड, शिक्षण क्षेत्राविषयीची एक आवड किंवा तुमची ती आत्मीयता, ती तळमळ आहे हे आम्हाला जाणवलं. तर हीच तुमची तळमळ, ही आवड तुम्हाला कशी निर्माण झाली? देखिए, इंजिनिअरिंग कॉलेज स्टार्ट करने के का इंस्पिरेशन मुझे उस दिन हुआ था जिस दिन 1986 में मैं अपने बाबूजी के साथ में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेने के लिए गया था. और उसी दिन मुझे हुआ जो एक दिन हम भी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे. उस टाइम तो हम स्टूडेंट थे. फिर 90 में इंजीनियरिंग की, उसके बाद में IPCL में जॉब लगा और जॉब में बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया मैं सर्विस लाइफ को. फिर मैं जॉब छोड़ के फिर 92 में मैं मुंबई आया और फिर हमने वहाँ पे कुछ दिन जॉब किया सर्विस की इंडस्ट्रीज में और फिर प्राइवेट जॉब की और फिर हमने संदीप एकेडमी करके एक कोचिंग क्लास स्टार्ट किया. मुलुंड में एक छोटे से टेबल से स्टार्ट किया, दो छात्रों को लेकर स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे क्लासेस बढ़ता गया, कोचिंग क्लास बढ़ता गया, सेंटर्स बढ़ते गए. ख्वाब वही था इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, लेकिन फंड की ज़रूरत थी. फिर तकरीबन 2007 के आसपास पूरी टीम हम लोगों ने सोचा जो इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट करना चाहिए और उसके लिए हम लोग लैंड सर्च कर रहे थे. मुंबई में मिल नहीं रहा था, पूना बहुत एक्सपेंसिव हो गया था और हम लोगों को बहुत अधिक लैंड की ज़रूरत थी. फिर हम लोग नासिक की तरफ मूव किए और हम लोग फिर पूरे टीम के साथ में करीबन 6 महीना हम लोगों ने पूरा रेकी किया, सर्वे किया और फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपना कैंपस स्टार्ट किया. सर, संदीप फाउंडेशनच्या या कॅम्पसमध्ये तुम्ही विद्यार्थ्यांसाठी मॅनेजमेंट स्टडीज, इंजिनिअरिंग आणि पॉलिटेक्निक अशा स्टडीज इथे उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या व्यतिरिक्त आणखी कुठले अभ्यासक्रम सुरू करावे असं तुम्हाला वाटतंय? आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सेल्फ फाइनेंसिंग स्टेट यूनिवर्सिटी का हम लोगों को मान्यता दी है. ओ. और
2016 से इसी साल से इसी एकेडमिक सेशन से हम लोग को संदीप यूनिवर्सिटी का एकेडमिक सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और जैसा हमने कहा, हमने राइट फ्रॉम द इंसेप्शन वी हैड थॉट टू स्टार्ट द प्रोग्राम्स राइट फ्रॉम केजी टू पीएचडी। तो अभी यूनिवर्सिटी के जब जैसे ही हमारा यूनिवर्सिटी उम्मीद कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी ही हम लोग का यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगा, इसमें हम लोग आर्किटेक्चर, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रमोट करेंगे, एग्रीकल्चर, और फ्यूचर में हम लोग मेडिकल कॉलेज भी ला रहे हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी होगा। अब राइट नाउ वी आर एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, वी हैव गॉट द लिमिटेशन टू फॉलो द करिकुलम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। एक बार हम यूनिवर्सिटी बन जाते हैं, देन वी विल हैव फ्रीडम टू डिजाइन अवर ओन करिकुलम। तो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेंड तथा मॉडर्न ट्रेंड को देखते हुए हम लोग करिकुलम डिजाइन करेंगे, और बहुत सारे फील्ड में, डिजाइन में, आर्किटेक्चर में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे। क्या सर, संदीप फाउंडेशन मध्ये ऍडमिशन घेणारा विद्यार्थी लोकल नाशिक मधला पण आहे आणि नाशिक बाहेरचा पण आहे, तर त्यांच्याकरता सुद्धा तुम्ही इथे हॉस्टेलची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, तर त्या विद्यार्थ्यांचा आणि त्यांच्या पालकांचा प्रतिसाद तुम्हाला कसा मिळतो? 40% स्टुडंट्स तकरीबन आउट ऑफ नाशिक के हैं। इसमें बाहर के छात्रों में नॉर्मली मुंबई, गुजरात, नॉर्थ इंडिया तथा महाराष्ट्र के अन्य भाग से हैं। अच्छा। बाहर के छात्रों की सुविधा के लिए हम लोगों ने 4 बॉयज हॉस्टल और 2 गर्ल्स हॉस्टल बनाया है। ओके। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से आने की वजह से उनकी फूड हैबिट्स भी डिफरेंट होती है। हाँ। तो उनके लिए हम लोगों ने कस्टमाइज और उनके कल्चर के हिसाब से हम लोगों ने कैंटीन की व्यवस्था की है। वाह। छात्रों के लिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छा जिम बनाया है, और स्पोर्ट्स में मैं खुद बहुत ही इंटरेस्ट रखता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, उसकी जो बाउंड्री है, तथा ये फुटबॉल ग्राउंड भी हम लोगों ने बनाया है, और भी हम लोग इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं। साथ ही जो हॉस्टलाइट्स हैं उनको उनकी डिफिकल्टी सॉल्विंग के लिए हम लोगों ने उनके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर की भी अरेंजमेंट किया है, और हमारे प्रोफेसर टाइम टू टाइम हॉस्टल्स में इवनिंग में जाके उनको एक्स्ट्रा लेक्चर देते हैं और उनकी डिफ़िकल्टी सॉल्व करते हैं। मेडिकल फैसिलिटी भी हॉस्टल के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, और यहाँ पे सिक्योरिटी, डिसिप्लिन तथा अन्य चीज़ों पे भी हम लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हॉस्टल्स के छात्र हैं वो यहाँ के सिस्टम से काफ़ी खुश हैं, और हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी सेटिस्फाइड है, और बाहर के छात्रों का काफ़ी डिमांड, काफ़ी इंक्वायरीज हम लोग को मिलता है यहाँ पे। सर, मगासपासून मी तुमच्याकडून संदीप फाउंडेशन विषयी जाणून घेतलं, यातल्या अभ्यासक्रमाविषयी जाणून घेतलं, आता मला स्वतःला आणि आमच्या प्रेक्षकांना सुद्धा असं वाटायला लागलं की हे कॅम्पस आतून कसं आहे ते त्यांना पाहायचं आहे, सो आपण कॅम्पस पाहूया। श्योर, आय अप्रिशिएट, प्लीज कम। जी, ये सब अवार्ड्स हैं आपके? ये हम लोग वेर इन टू NPL ऑल्सो, नासिक प्रीमियर लीग में हैं। ओ। और पिछले 2 बार से रनर अप हो रहे हैं हम लोग। वाह। सर, अब हम लोग क्या देखने वाले? अभी हम लोग 1 by 1 कैंपस में कॉलेजेस को देखेंगे हम लोग। ओके, चलिए। सी, ये दिस इज द लाइब्रेरी। ओ। और दिस इज द फर्स्ट ईयर का लैब्स यहाँ पे होते हैं। ओके। और अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सिंस यू आर द मैन
ऑफ बैंड फ्रॉम थिएटर, तो मैं आपको एम्फी थिएटर दिखाने वाला हूँ. प्लीज कम, आइए आप. जी जी. सी, दिस इज फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज. इसका नाम है SITRC, बोलते हैं शॉर्ट में. ओके. नाउ इन दिस वी हैव गॉट 5 डिपार्टमेंट्स. हाँ. मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स. अभी इसका आप देखेंगे, अगर आर्किटेक्चर डिजाइन देखेंगे, हियर वी हैव, दिस इज द शेप ऑफ द पाम. पाम के शेप का है. राइट. द 5 डिपार्टमेंट्स आर देयर एंड ऑल द 5 डिपार्टमेंट्स आर आइसोलेटेड. और उसको कनेक्ट करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, एक ओवर ब्रिज बना दिया है जिससे पूरा कनेक्टेड है. मींस ऑल द डिपार्टमेंट्स हैव गॉट देयर ओन आइडेंटिटी एंड दे आर आइसोलेटेड एंड येट दे आर कनेक्टेड. वाह. और आपने देखा होगा पूरा कैंपस पूरा ग्रीनरीज हम लोगों ने रखा है, सो दैट स्टूडेंट्स विल गेट इंस्पायर्ड और दिस और स्टूडेंट्स इट विल बी कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट्स. और उसको मेंटेन भी रखा है. और इसको मेंटेन रखा हुआ है. दिस इज द एम्फी थिएटर. आपने देखा है दिस इज द एम्फी थिएटर एंड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन 10,000 पीपल कैन गेट असेंबल्ड हियर. लवली. और यहाँ पे हम लोग जो मेजर प्रोग्राम्स होते हैं कैंपस के एनुअल प्रोग्राम्स, वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे होता है. और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे अपना प्रोग्राम्स दिए हैं. नाउ वी विल गो टू आवर फार्मेसी कॉलेज. नाउ इन 2011 वी स्टार्टेड आवर फार्मेसी इंस्टीट्यूशन. वी हैव B Pharmacy, okay, and M Pharmacy also. Oh, and if you see this one, if you see the architecture of the building, wow, you'll find that it's really for the pharmacy. Actually, you see all the drugs, capsules, yeah, the syringe, oh, everything you'll find here. And this is, we are also going to start. Research center also. And we have got tremendous and fabulous response for our pharmacy institution. Adjoining to our pharmacy institution, we have made one herbal valley. This area is adjoining to our pharmacy institution. This we have developed as a herbal valley. Oh. तो ये सब हर्बल्स है? या ऑल काइंड्स ऑफ हर्ब्स आर हियर. ओह. एंड यू कैन सी हियर मोर देन 200 काइंड्स ऑफ हर्ब्स. वाओ, दैट्स ग्रेट. एंड यू हैव सीन देयर आर सो मेनी फ्लावर्स इन आवर कैंपस. नाउ वी आर डूइंग हनी बी फार्मिंग आल्सो. ओह. और निखिल आप इधर देखेंगे, दिस वी हैव डेवलप्ड हियर अ रोज गार्डन. Here, Rose. More than 100 varieties of roses are here. Wow. And this we all have brought from Kalimpong. That is nearby Darjeeling, West Bengal. Wow. वहाँ से हम लोगों ने इसको लिया है. और हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठते हैं रिसर्च के टाइम में और रिलैक्स होते हैं, स्टडीज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. अभी हम आपको दिखाएंगे our Polytechnic campus. Now, Nikhil, this is our second engineering college. This is SIEM. Okay. This we have started in 2011. In all the major branches are there. And here also we got tremendous response from the students and the industries. Okay. I can tell you, this in our engineering college, this time we are going to achieve 100% placement this time. Oh. And I want to tell you one thing. That we are committed for the placement of our each and every student.
Whoever takes admission here will get a job. Job. At the end of the his program. Wow. I want to show you this polytechnic. Yeah. This is our polytechnic. SP, that is a short form, Sandeep Polytechnic. And I want to tell you one thing. Government of Maharashtra has declared this center of excellence for last two consecutive years. Wow. And here also the students from all parts of the state and the country, they come to this polytechnic and they stay in hostel. Our faculties are very good, excellent faculty members are here. The staff policy is also very good, which attracts best possible faculties from all around the country. Sir, thank you so much. तुम्ही अगदी तुमच्या बिझनेस शेड्यूलमधून वेळात वेळ काढून संदीप फाउंडेशनविषयी आमच्या साम टीव्हीच्या प्रेक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना अत्यंत मोलाचं मार्गदर्शन दिलं आणि माहिती दिली. खरंच साम टीव्हीच्या वतीने मी तुमचे मनापासून आभार मानतो. आणखीन एक गोष्ट, साम टीव्हीच्या आमच्या या प्रेक्षकांना आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना तुम्ही काय सांगू इच्छिता? आय विल ऑल्सो ऑफर माय सिन्सिअर थँक्स टू साम टीव्ही अँड द क्रू मेंबर्स for visiting the campus in Nashik. And I would like to urge your viewers and students to visit the campus in Nashik and take advantage of the world-class academic facilities of our campus. Aur phir ant mein Sham TV ko aur aapko bahut bahut aabhaar prakat karta hoon. Thank you. Jo aap hamare campus mein aaye. Thank you. Thank you so much. Thank you. मंडळी, प्रत्येक पालकांना आपल्या पाल्याच्या भविष्याची चिंता निश्चितच असते की आपल्या पाल्याचं भविष्य कसं असेल, ते कसं दिसेल, ते कसं घडेल. तर मला इथे आवर्जून सांगावं असं वाटतं की त्यांचं भविष्य हे असं दिसेल, असं असेल आणि असं घडेल. खरंच यश मिळवणं तितकंसं सोपं नसलं तरीसुद्धा जिद्द, मेहनत आणि चिकाटी या गोष्टींच्या माध्यमातून तुम्ही ते नक्कीच मिळवू शकता. यश मिळतं ते टिकवणं जास्त महत्वाचं असतं आणि त्यात वाढ करणं सुद्धा जास्त महत्वाचं असतं. स्वप्न पाहणं सुद्धा महत्वाचं असतं. आभाळाएवढी स्वप्न पाहावीत पण ती पूर्ण करण्यासाठी तितकीच जिद्द अंगी बाळगावी. आणि हीच गोष्ट आज डॉक्टर संदीप झा यांच्याकडून आपल्याला शिकायला मिळाली. चला तर मग भेटूयात सक्सेस अनलिमिटेडच्या पुढच्या भागात. आता मी निखिल राऊत तुमची रजा घेतो, पण प्रयत्न करत राहा, यशस्वी व्हा, कारण सक्सेस अनलिमिटेड असतो.